दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। कोरोना वायरस के उद्गम को लेकर डॉक्टर फाउची की भूमिका एक बार फिर से शक के घेरे में आ गई है। डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि अमेरिका के जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं और अमेरिकी सरकार के पैंडेमिक स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं इस समय, वुहान लैब की फंडिंग को लेकर डॉक्टर फाउची की जो संदिग्ध भूमिका है, अब उस पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी लगभग 2 महीने पहले ही अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंडिंग दिए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर फाउची से सवाल किया था। बल्कि सीधे सीधे ये सवाल किया था कि क्या ये सच है कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान लैब को बैड वायरसेस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करने के लिए फंडिंग दी थी। और डॉक्टर फाउची ने इस सवाल का जवाब भी दिया था और इस बात को स्वीकारा था कि हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2014 में फंडिंग दी थी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को। लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इस फंडिंग का गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से कोई लेना देना था। उन्होंने कहा कि हाँ, ये फंडिंग दी गई थी लेकिन गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए नहीं दी गई थी। अब अगर हम तथ्यों की तरफ भी गौर करें तो ये बात सच है कि 2014 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान लैब को फंड किया था, लेकिन ये फंडिंग जो है इनडायरेक्टली दी गई थी। अमेरिका का न्यूयॉर्क बेस्ड एक, जो कि अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, इको हेल्थ अलायंस नाम का एक ग्रुप है और इस ग्रुप को फंडिंग मिली थी NIH की तरफ से और फिर इस फंडिंग का कुछ प्रतिशत वुहान लैब को दिया गया इको हेल्थ अलायंस की तरफ से। इसी इको हेल्थ अलायंस ने फिर वुहान लैब को ये फंडिंग दी। तो अब इको हेल्थ अलायंस की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी कॉर्पोरेट पार्टनर्स की लिस्ट में है। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी भी इको हेल्थ अलायंस की कॉर्पोरेट पार्टनर है। तो मई में डॉक्टर फाउची ने रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल के सामने ये बात तो स्वीकारी कि अमेरिका की तरफ से वुहान लैब को 2014 में फंडिंग दी गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च फंडिंग का कोई लेना देना। अब अमेरिकी संसद में सीनेटर रैंड पॉल ने यह सवाल फिर से उठाया है और अब की बार बल्कि एक प्रकार से सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया डॉक्टर फाउची पर कि मई में जिस कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की वुहान लैब में फंडिंग के बारे में मई में जो उनसे पूछा गया था डॉक्टर फाउची से सवाल, उसके जवाब में उन्होंने झूठ बोला था, यानी सच छिपाया था। अब इस पर एंथनी फाउची, जाहिर सी बात है डॉक्टर फाउची एकदम से सकते में आ गए और वो कुछ घबरा भी गए और उन्होंने कहा कि सीनेटर पॉल, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, तुम जिस विषय में बात कर रहे हो तुम्हें उस विषय की कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें उस विषय के बारे में कोई भी मूलभूत तथ्य तक नहीं मालूम। अब गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है और इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च दरअसल वायरसेस पर होने वाली रिसर्च की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी वायरस के बिहेवियर को समझने के लिए कि विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न कंडीशंस में किस प्रकार से बिहेव कर सकता है और इसकी क्या क्या खतरनाक संभावनाएं हो सकती है, इसके सभी पॉसिबल म्यूटेशंस को समझने के लिए इसको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंतर्गत इस वायरस को, किसी भी वायरस को मैनिपुलेट किया जाता है और उसके और भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स तैयार किए जाते हैं ये समझने के लिए एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है कि विभिन्न कंडीशंस में ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, किस प्रकार से म्यूटेट कर सकता है, इसको जानने के लिए इसके और भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट्स तैयार किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये विवादास्पद क्यों है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इसीलिए है क्योंकि अगर कोई ऐसा वेरियंट, खतरनाक वेरियंट जो कि तैयार किया गया आर्टिफिशियली, अगर वो लैब से एस्केप हो जाए तो फिर इसी प्रकार की भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे कि कोरोना वायरस से इस समय हो रही है। तो सीनेटर रैंड पॉल ने सीधे सीधे डॉक्टर फाउची पर ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने वुहान लैब को बैड वायरसेस पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करने के लिए NIH के माध्यम से फंडिंग दी, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः कोरोना वायरस फैला, जिसका परिणाम दुनिया के सभी लोग इस समय भुगत रहे हैं। अब जो अमेरिकी मीडिया है वो इस पूरी चीज को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वो इस चीज की, इसमें जो
ये सवाल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू से जुड़ा है, कोरोना वायरस के उद्गम के वुहान लैब कनेक्शन से, उस चीज को अमेरिकी मीडिया डाउन प्ले करने की कोशिश कर और ये बता रहा है कि ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में आम बात है कि विपक्ष पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पर छींचा लेदर करने के मौके ढूंढती रहती है। तो एंथनी फाउची जो है, डॉक्टर फाउची, उनको सिर्फ एक स्केपगोट बनाया जा रहा है। लेकिन अगर तथ्यों की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि बात इतनी सीधी और सरल भी नहीं है। कोरोना वायरस के उद्गम में जो वुहान लैब की संदिग्ध भूमिका है उसको लेकर पिछले कुछ समय से लगातार नए एविडेंसेस सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला फिर पब्लिक के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आ रहा है। खुद अमेरिका भी आगे बढ़कर फिर से एक नए सिरे से वुहान लैब की जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहा है कि उसकी खुद की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी अब इस पूरे प्रकरण की कि कोरोना वायरस किस प्रकार से मानव निर्मित होने की इसकी संभावना है, इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है उसकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी। पिछले वर्ष जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो उनके बार बार इस बात को रेखांकित करने के बावजूद भी कि लैब लीक थ्योरी जो है वो हो सकती है कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस है, उनकी लैब लीक थ्योरी को एक अफवाह करार दिया गया और इसको एक पूरा जिसको कहते हैं मीडिया में मजाक बना दिया गया, बल्कि इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करार दे दिया गया। और अब अचानक से जो बाइडन के शासनकाल में ये लैब लीक थ्योरी फिर से इतनी प्रोमिनेंट हो गई है कि अमेरिका भी इसको जो है अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय की जो न्यूज है, पिछले एक महीने से तो इतनी न्यूज इस प्रकार की नहीं आई, लेकिन अगर आप मई जून की न्यूज देखेंगे तो मई जून में इस प्रकार की न्यूज बड़ी भरी पड़ी है, चाहे वो भारतीय मीडिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, तमाम मीडिया इस प्रकार की खबरें प्रसारित कर रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो वुहान लैब का इन्वेस्टिगेशन चाहता है, अमेरिका ने ये कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए, अमेरिका ने वो कहा, और किस प्रकार से मतलब लैब लीक थ्योरी को लेकर की संभावनाओं को लेकर अमेरिका की तरफ से रोज नए नए स्टेटमेंट्स सामने आ रहे थे मई जून के समय में। और लगातार अमेरिका जो है वो इस प्रकार से मीडिया के सामने परसेप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो ड्रैगन को चैलेंज कर रहा है कि कोरोना वायरस की ओरिजिन्स को लेकर कि जो तुम्हारी इसमें भूमिका है हम उसमें से पर्दाफाश करके रहेंगे, और इस प्रकार का एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने। डॉक्टर फाउची ने भी ये बात खुद स्वीकारी है कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान लैब को फंडिंग दी थी इको हेल्थ अलायंस के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको बताया। और एक ऐसी जानकारी है जो इंटरनेट पे पब्लिक डोमेन पर भी अवेलेबल है, किसी भी रिपोर्ट में आपको ये दिख सकती है। और इस उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये फंडिंग इसलिए दी गई थी ताकि दक्षिणी चीन में जो चमगादड़ों की जनसंख्या है उनमें जो कोरोना वायरसेस हैं उनको पहचाना जा सके, उनको कैरेक्टराइज किया जाए, उन पर शोध किया जाए, ताकि ऐसी किसी संभावना का पता लगाया जा सके कि कहीं ये वायरसेस चमगादड़ों से ह्यूमन पर तो नहीं आ रहे। यानी चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरसेस पर चीन की वुहान लैब में रिसर्च हुई थी और अमेरिका ने ये रिसर्च फंड की थी, और सिर्फ 2014 में ही नहीं, उसके कुछ वर्ष बाद यानी 2019 में इको हेल्थ अलायंस को दी जाने वाली ऐसी ग्रांट को फिर से रिन्यू कर दिया गया। लेकिन खबरों के मुताबिक तब जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस ग्रांट को कैंसिल कर दिया, कुछ समय के लिए रद्द कर दिया। अब वापस आते हैं फाउची की तरफ, डॉक्टर फाउची। अब जो एनएचआई है अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं और इसी के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस आता है जिसके डॉक्टर फाउची डायरेक्टर हैं, और अभी से नहीं 1980s के दशक से है, शायद 1984 से है। यानी वायरस रिसर्च के क्षेत्र में अमेरिका जो भी फंडिंग किसी को भी देता है उसमें उनकी पूरी दखलंदाजी रहती है, बिना डॉक्टर फाउची की जानकारी के ऐसी फंडिंग किसी को भी नहीं मिल सकती। कोरोना वायरस के उद्गम को लेकर भी डॉक्टर फाउची का स्टैंड जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो बार बार अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने लैब लीक थ्योरी को खुद डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, और पहले उन्होंने इस बात पर खूब बल दिया, खुद फोकस किया कि जो कोरोना वायरस है वो एक प्राकृतिक वायरस है, नेचुरल वायरस है, मानव निर्मित नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से, यही पिछले 2-3 महीनों से डॉक्टर फाउची के सुर भी कुछ बदले नजर आ रहे हैं, और वो लगातार मीडिया के सामने ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने की संभावना है, बहुत गहरी संभावना है, और इस एंगल से इसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्टर फाउची ने भी यू टर्न किया है,
और जैसा कि मैंने कहा, कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने को लेकर अमेरिका पिछले कुछ समय से इतना शोर मचा रहा है और मीडिया में इतनी खबरें आ रही इस बात को लेकर कि अमेरिका इस प्रकार की जांच की मांग कर रहा है, उस प्रकार की, कि ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अमेरिका इस प्रकार का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इसमें बिल्कुल ड्रैगन के विरुद्ध जा रहा है और वो ड्रैगन को एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि वास्तविकता में अगर कुछ हम तथ्यों की तरफ गौर करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोरोना वायरस के ओरिजिन का जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं भी आगे नहीं बढ़ा और मामला जो का त्यों अटका हुआ है, वही सब बातें सिर्फ रिटोरिकल बयानबाजी हो रही है, वही सब बयानबाजी बार बार सर्कुलेट हो रही है कि होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन हुआ अभी भी कुछ भी नहीं है और विश्व वहीं का अटका हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर। पिछले वर्ष इस थ्योरी को जबरदस्ती नकारा गया और तब ड्रैगन को समय मिल गया शायद सारे प्रमाण मिटाने का, और जब इतना ज्यादा समय हो चुका है, बात वैक्सीनेशन तक पहुंच चुकी है, वैक्सीनेशन की मुहिम भी इतनी आगे बढ़ चुकी है और तब डेढ़ साल के बाद तब अमेरिका शोर मचा रहा है कि हाँ इसकी जो लैब लीक थ्योरी की ओरिजिन है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो ये चीज थोड़ी सी जो है अमेरिका की भूमिका को संदिग्ध जरूर बनाती है। और कोरोना वायरस का जो वुहान लैब से कनेक्शन है उसके बारे में तो हम बहुत सी चीजें जान रहे हैं, आगे भी जानेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के पीछे जो संभवतः अमेरिकन और ड्रैगन का मिला जुला नेक्सस है, जो उनकी मिली भगत है, अब इस विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करने की ज्यादा जरूरत है, इस विषय पर बातचीत होनी चाहिए और इस विषय पर रोशनी डालने की अब ज्यादा आवश्यकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।